कंटिन्यू द बेस्ट। तो उसमें कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो फर्स्ट है पर्टिजुमैब। सो हर्टिन्यू पॉजिटिव अगर कोई पेशेंट रहता है तो इस ड्रग के एडिशन में ट्रास्टुजुमैब भी दिया जाता है पर्टिजुमैब के एडिशन में। देन सेकेंड ड्रग जो यूज़ होता है वो होता है पैल्पोसिक्लिप। ये CDK4/6 इनहिबिटर होता है 4 या 6, और ये यूज़ किया जाता है ERPR पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए और हर्टिन्यू नेगेटिव के लिए। ये मेटास्टेटिक ट्यूमर्स में भी यूज़ किया जाता है और हार्मोनल थेरेपी के साथ भी यूज़ किया जाता है ये ड्रग। नाउ थर्ड ड्रग होता है एल्पेसलिसिब। ये PI3K इनहिबिटर होता है और ये मेटास्टेटिक ट्यूमर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, ERPR पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए भी और हर्टिन्यू नेगेटिव पेशेंट्स के लिए भी। नाउ फोर्थ ओलापैरिब होता है। ये ड्रग PARP इनहिबिटर होता है और ब्राका पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ फिफ्थ ड्रग है फिलवेस्टेरेंट। ये सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन डाउन रेगुलेटर होता है और ये ERPR पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। देन सिक्स्थ ड्रग है TNBC की इम्यूनोथेरेपी के लिए, ये जो यूज़ होता है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के इम्यूनोथेरेपी के लिए, वो एटीसोलिसुमैब होता है और ये PD-LI इनहिबिटर होता है और ये ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेटिक के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ मोस्ट कॉमन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक्सिलरी लिम्फ नोड स्टेटस होता है। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड स्टेटस को देख के हम प्रोग्नोसिस बता सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का सबसे अच्छे से। और मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर के लिए लेकिन ये ERPR स्टेटस होता है। तो अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेटिक है तो ERPR स्टेटस को हमको देखना होता है उसके प्रोग्नोसिस के लिए। नाउ स्पेशल सिचुएशंस होती है कुछ रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर, उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट बायलैटरल ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसमें हमेशा ब्राका टेस्टिंग करना इम्पॉर्टेंट होता है और इसका ट्रीटमेंट गवर्न्ड होता है उस कैंसर से जो कि हायर स्टेज में होता है। तो अगर बायलैटरल है तो उस स्टेज को हम पहले देखेंगे, उस कैंसर पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो हायर स्टेज पे है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देंगे। देन सेकेंड प्रेगनेंसी एसोसिएटेड अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर ये प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई होता है या विद इन वन ईयर ऑफ डिलीवरी अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसको प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। और ये अग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, इसमें इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है, पुअर आउटकम देता है ये, और ERPR नेगेटिव होता है यूजुअली ये। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसका लंप के साथ आता है और इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसका USG होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। नाउ डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका ट्रू कट बायोप्सी से करते हैं। और इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सर्जरी से करते हैं। तो दो टाइप की सर्जरी कर सकते हैं, एक तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी और दूसरा मैस्टेक्टोमी। तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है क्योंकि प्रेगनेंसी या उसके बाद 1 ईयर तक हम रेडियोथेरेपी नहीं दे सकते, और अगर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करेंगे तो फिर रेडियोथेरेपी देना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ मैस्टेक्टोमी में दे सकते हैं, मैस्टेक्टोमी की सर्जरी कर सकते हैं, साथ में कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं, पर ये कीमोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और हार्मोनल थेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जा सकती है, लेकिन नहीं ये नहीं दी जा सकती एक्चुअली, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है सारे ट्राइमेस्टर्स में। और अगर ट्यूमर पिकअप किया जाता है सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में तो फिर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी की जा सकती है, क्योंकि रेडियोथेरेपी फिर हमको आफ्टर डिलीवरी ही देना होता है। तो रेडियोथेरेपी सिर्फ प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, आफ्टर डिलीवरी नहीं। और थर्ड मेल ब्रेस्ट कैंसर है तो ये एक स्पेशल सिचुएशन होती है, ये 1% इंसिडेंस होता है इसका। ब्राका 2 में ज़्यादा रिस्क होता है एज़ कम्पेयर टू 1 वाले म्यूटेशन में, और क्लाइनफेंटर सिंड्रोम वाले जो पर्सनस होते हैं उनको भी रिस्क ज़्यादा होता है। लिवर सिरोसिस में ज़्यादा रिस्क होता है एंड अल्कोहल कंजप्शन में ज़्यादा रिस्क होता है। नाउ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसका लंप के साथ होता है और ये गायनेकोमेस्टिया वाले लंप से डिफरेंट होता है। जो गायनेकोमेस्टिया वाला होता है वो डिफ्यूज और ज़्यादा फैटी होता है। देन डायग्नोसिस इसका ट्रू कट बायोप्सी से होता है। और मैनेजमेंट और प्रोग्नोसिस सेम फीमेल ब्रेस्ट कैंसर जैसा इसका मैनेजमेंट और प्रोग्नोसिस होता है। नाउ फोर्थ DCIS है, दैट इज़ डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। ये भी एक स्पेशल सिचुएशन है जब ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ इनसाइड डक्ट्स रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो ये 4 टाइप्स का हो सकता है, एक तो पैपिलरी DCIS जो कि मोस्ट कॉमन होता है, दूसरा क्रिबरीफॉर्म, तीसरा सॉलिड टाइप का हो सकता है एंड फोर्थ कोमेडो विथ नेक्रोसिस टाइप का हो सकता है।
सो पैपिलरी क्रिबरीफॉर्म और सॉलिड ये सारे ईआरपीआर पॉजिटिव रहते हैं और माइक्रो कैल्सिफिकेशंस की तरह प्रेजेंट करते हैं जो कि ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और कॉमेडो विथ नेक्रोसिस ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, लम्प के साथ प्रेजेंट करते हैं और ईआरपीआर नेगेटिव होते हैं ये। ना माइक्रो कैल्सिफिकेशंस प्रिवेंटिव चेकअप्स के दौरान डिटेक्ट किया जा सकते हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ट्रू कट बायोप्सी स्टीरियोटैक्टिक होता है, यानी कि इसमें इमेज गाइडेड बायोप्सी की जाती है नीडल को गाइड करने के लिए। ना एमआरआई ज़्यादा सेंसिटिव होता ही है, इमेजिंग टेक्निक इसको भी यूज़ किया जा सकता है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं डीसीआईएस का, एक तो सर्जरी से करते हैं तो इसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर सकते हैं, सिंपल मैस्टेक्टोमी कर सकते हैं और अगर ईआरपीआर पॉजिटिव है तो हार्मोनल थेरेपी भी दिया जाना चाहिए। तो बीसीएस अगर करते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी तो फिर रेडियोथेरेपी को भी करना ज़रूरी हो जाता है। देन सिंपल मैस्टेक्टोमी क्या होता है, इसमें नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा के लिए ये दी जाती है क्योंकि एक्सिलरी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती है इसमें और इसका लीस्ट लोकल रिकरेंस रेट होता है सिंपल मैस्टेक्टोमी अगर हम करते हैं तो। देन कीमोथेरेपी का कोई रोल नहीं होता है डीसीआईएस में क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है। नाउ वैन न्यूएस स्कोरिंग सिस्टम ये क्या होता है, ईआरपीआर इसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है इस सिस्टम में, इसके बेसिस पे नहीं है ये सिस्टम और ये बेस्ड रहता है साइज पे, ट्यूमर के साइज पे, ट्यूमर का मार्जिन का स्टेटस कैसा उस पर बेस्ड रहता है। देन थर्ड ट्यूमर का ग्रेड क्या है, उसका नेक्रोसिस कैसा हुआ उस पर बेस्ड रहता है और फोर्थ एज पे बेस्ड रहता है पेशेंट की, ईयर्स में एक्सप्रेस किया जाता है जो। नाउ लो स्कोर, इंटरमीडिएट स्कोर और हाई स्कोर, तीन तरह के स्कोर्स हो सकते हैं इसमें। तो लो स्कोर 4 to 6 जब आता है तब बोलते हैं, इस कंडीशन में मैनेजमेंट कैसा होता है, वाइड लोकल एक्सिशन देते हैं WLE। देन इंटरमीडिएट अगर स्कोर आता है 7 to 9 तो WLE वाइड लोकल एक्सिशन के साथ रेडियोथेरेपी भी दी जाती है और अगर हाई स्कोर आता है 10 to 12 तो फिर मैस्टेक्टोमी करते हैं। तो ये तीन तरीके का मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, इसको डिसाइड करने के लिए इसकी स्कोरिंग देखनी होती है। नाउ EIC क्या होता है, तो ये एक्सटेंसिव इंट्राडक्टल कंपोनेंट होता है, ये एक इन्वेसिव ट्यूमर होता है जब ग्रेटर देन 25% DCIS से फॉर्म होता है तो इसको हम EIC बोलते हैं। देर इज़ डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, अगर 25% से ज़्यादा एरिया कवर कर लिया है तो वो एक्सटेंसिव इंट्राडक्टल कंपोनेंट बन जाता है और इसमें लोकल रिकरेंस रेट के चांसेस हाई हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है LCIS, दैट इज लोबिलार कार्सिनोमा इन सीटू। तो लोबिलार कार्सिनोमा इन सीटू अब इन सीटू नहीं रहा है, 8th AGCC क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको अब बिनाइन कंसिडर किया जाता है और विथ अ रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर की रिस्क होती है फिर भी। सो 1% पर ईयर इसकी रिस्क होती है, तो बहुत कम पेशेंट्स को होता है एक्चुअल में। वैसे बायलैटरल होता है ये और मल्टी सेंट्रिक होता है, फोकसेस बहुत सारे होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसका इंसिडेंटल डायग्नोसिस होता है, मतलब किसी और चीज़ का हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और साथ में ये भी डायग्नोस हो जाता है। देन लम्प इसका क्लिनिकल फीचर होता है और ऐसा माइक्रो कैल्सिफिकेशंस ये प्रेजेंट हो सकते हैं इसके साथ। नाउ प्लियोमॉर्फिक LCIS, तो प्लियोमॉर्फिक लोबिलार कार्सिनोमा इन सीटू ये बिहेव करता है हाई ग्रेड डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू की तरह और इसमें ईआरपीआर नेगेटिव आता है। सो इसका मैनेजमेंट कैसे होता है लोबिलार कार्सिनोमा इन सीटू का, एक तो अगर मार्जिन ऑफ रिजेक्शन में ये प्रेजेंट है तो अलग तरीके का मैनेजमेंट होगा और कभी कभी ये इन्वेसिव कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है तो उसका मैनेजमेंट अलग होगा। सो मार्जिन ऑफ रिसेक्शन में अगर प्रेजेंट है ये तो फिर रिसेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है हमको फर्दर, यानी कि डी एक्साइज करने की ज़रूरत नहीं होती है मार्जिन को, ट्यूमर को हमने एक बार निकाल दिया तो सिर्फ उतना ही निकालना है। लेकिन अगर ये कभी कभी इन्वेसिव कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ये या तो IDC में कन्वर्ट हो सकता है या ILC में, तो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है या फिर इन्वेसिव लोबिलार कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है। एंड एक प्लियोमॉर्फिक LCIS भी एक टर्म होता है, प्लियोमॉर्फिक लोबिलार कार्सिनोमा इन सीटू, तो उसको हम डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू की तरह ही ट्रीट करते हैं। नाउ अगर वो इन्वेसिव कैंसर में कन्वर्ट होता है तो उसकी हिस्टोपैथोलॉजी कैसी होती है इन्वेसिव लोबिलार कार्सिनोमा की, सिंगल फाइल पैटर्न की तरह इसकी हिस्टोलॉजी पैथोलॉजी होती है।
हाँ एक क्वेश्चन है, 35 ईयर ओल्ड लेडी है जिसका LABC लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है, ERPR पॉजिटिव है, वो HER2-neu 2+ है, तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या है इसका? तो ये होगा इसका फॉल्स स्टेटमेंट कि हर्सेप्टिन इंडिकेटेड है, क्योंकि हर्सेप्टिन तब इंडिकेटेड होता है जब वो HER2-neu पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर HER2-neu 2+ है तो 2+ स्कोर में हमको फिश करना होता है, फ्लोरोसेंट माइक्रो फिश करना होता है, जिसकी वजह से हमको पता चले कि HER2-neu पॉजिटिव है या नहीं। देन APBI के लिए एक स्टेटमेंट है कि ये सुटेबल होता है उन पेशेंट्स के लिए जिसकी ट्यूमर मार्जिन ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 मिलीमीटर होती है, क्योंकि एडिक्वेट मार्जिन इसकी 1 मिलीमीटर होती है, और ये उन पेशेंट्स के लिए भी सुटेबल होता है जो ग्रेटर देन 50 ईयर्स होता है, मतलब एल्डरली पेशेंट्स के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 ईयर्स फीमेल है तो उसका प्लियोमॉर्फिक माइक्रोकैल्सिफिकेशन है लेफ्ट ब्रेस्ट में, और उसको DCIS डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू कोमेडो है, ERPR नेगेटिव है, तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या होगा? तो इसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी की जाती है, उसके साथ रेडियोथेरेपी अगर करेंगे तो वो एसोसिएटेड होगा लोकल रिकरेंस रेट के, तो ये इसका फॉल्स स्टेटमेंट हो सकता है। ना इम्पॉर्टेंट क्या होता है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, मेन इसमें ब्रेस्ट में बेसिक मैनेजमेंट उसका इम्पॉर्टेंट है वाइवा के लिए, देन कीमोथेरेपी के ड्रग्स भी इम्पॉर्टेंट है वाइवा के लिए, एंड लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर शॉर्ट नोड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो ये था ब्रेस्ट का नेक्स्ट पार्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।